नमस्कार, मैं हूं रुखसाना। आपके सामने फिर उपस्थित हूं सातवीं कक्षा का असाइनमेंट लेकर। आज का टॉपिक है रक्त और हमारा शरीर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, रक्त और हमारा शरीर पाठ के लेखक कौन है? रक्त और हमारा शरीर पाठ के लेखक यतीश अग्रवाल हैं। अगला प्रश्न है, दिव्या अनिल के साथ अस्पताल क्यों गई? दिव्या को बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही थी, बहुत टायर्ड हो गई थी, इसलिए वह अनिल के साथ अस्पताल गई। अगला प्रश्न है, दिव्या के शरीर के किस अंग से रक्त लिया गया? आपको कभी एक्सपीरियंस आपने किया है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ब्लड टेस्ट कराना होता है तो आपकी क्या कैसे वो हाथ में सुई लगा के ब्लड निकालता है ना, सो वो उंगली में सुई लगाकर वो वहां से ब्लड लिया यानी रक्त लिया। अगला प्रश्न है, एनीमिया क्या है? ये एनीमिया तो बीमारी का नाम है, रक्त की कमी होने के कारण यह बीमारी हो जाती है जिसका नाम है एनीमिया। पांचवा प्रश्न है, पेट में पाए जाने वाले कीड़े किस बीमारी का कारण बनते हैं? एनीमिया का, ठीक है, सो बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमें पेट में कीड़े ना हो जाएं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर स्लाइट की जांच किस यंत्र द्वारा कर रही थी? सूक्ष्मदर्शी द्वारा। आपने देखा होगा जब आप लैब में देखते हो ना, माइक्रोस्कोप होता है वहां पर, आप टेस्ट करते रहते देखते हो, प्याज का जो छिलका होता है उसको आप देखते हो, तो उसको क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। अगला प्रश्न है, स्लाइट की जांच के बाद डॉक्टर दीदी ने क्या किया? डॉक्टर दीदी ने हाथ साबुन से धोए, उसके बाद तौलिए से हाथ पोछा। आजकल तो हम लोग करते ही रहते हैं, है ना, हाथ धोते ही रहते हैं आजकल, सो डॉक्टर दीदी ने हाथ धोए अच्छे से साबुन के साथ, फिर तौलिया से पोंछ लिया। आठवां प्रश्न है, लाल कणों का जीवन काल कितना होता है? लाल कणों का जीवन काल सिर्फ 4 महीना होता है। यह था आज का असाइनमेंट। धन्यवाद।